अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास है माइटोसिस के फेसेस के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस के बारे में हमने सारी फेसेस पढ़ ली थी, ठीक है। स्टार्ट में हमने इंट्रो पढ़ा था उसका, ठीक है, कि हमारे पास माइटोसिस में कितने फेसेस होती हैं। उसके बाद हमने सबसे उससे पहले हमने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा था कि पहले हमारे पास माइटोसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है एंड देन साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। सबसे पहले जो आज हमने जो हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफेस है, जो फर्स्ट हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास फेस है माइटोसिस के, देखो वो इंटरफेस हमारे पास पहले होगा। हमने सेल साइकिल में पढ़ा था इंटरफेस के बाद माइटोसिस होती है, ठीक है। तो इंटरफेस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी वीडियो में समझाया था कि कैसे सेंट्रोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। सेंट्रोसोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी डुप्लीकेशन नहीं हुई तो हमारे पास सेल्स हमारे पास रेडी नहीं होता है डिवीजन के लिए, क्योंकि इससे आगे हमारे पास उन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो कि हमारे पास दो क्रोमेटिड्स को अलग कर देते हैं। तो जब तक वो क्रोमेटिड्स अलग नहीं होंगे तब तक तो सेल डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो माइटोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इंटरफेस का जो हमारे पास टॉपिक था फर्स्ट का, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बढ़ा दिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रोफेस का है। प्रोफेस में हमारे पास देखो, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट्स को अपने पास लिख लेना, इससे आपको इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। प्रोफेस में क्या है, नॉट विजिबल क्रोमोसोम्स। स्टार्टिंग में हमारे पास क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे प्रोफेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें विजिबल जो होगा वो क्रोमेटिन मटीरियल होगा, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक जो मटीरियल है, कंटेंट्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो शो होगा, लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे स्टार्टिंग की प्रोफेस में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास क्रोमोसोम्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हमें शो होना दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वाटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। और उसके बाद, और देखो ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम जो हमारे पास विजिबल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं होते, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद हमारे पास विजिबल होते हैं, विजिबल होने में। अब उसके बाद जो क्रोमोसोम्स का डायमीटर होता है वो होता है 0.25 म्यूमीटर तो 50, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसको अपने पास नोट कर लेना, अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है प्रोफेस पूरा, हम एक मतलब रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा जो प्रोफेस माइटोसिस का जो हमारे पास फेस है वो आपको समझ आ जाए। द जेनेटिक मटीरियल इन द न्यूक्लियस इन अ लूज इस इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल क्रोमेटिन मटीरियल। हमने अभी बताया न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है जो कि विजिबल होगा प्रोफेस के अंदर, उसको हम क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद, एट द वन सेट ऑफ द प्रोफेस क्रोमेटिन कंडेंस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल क्रोमोसोम्स, कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाएगा और विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंस द जेनेटिक मटीरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस फेज, ईच क्रोमोसोम इज मेड टू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम्स हमें पता है किससे बना, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स से, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, दीज टू आर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमियर। जो दो सिस्टर क्रोमेटिन्स एक दूसरे से जो अटैच होंगे, जो सेंटर का पार्ट हो, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भी पुरानी बात है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखो, अब आगे क्या लिखा हुआ है, काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, जो हमारे पास एक पार्ट है, जो रीजन है क्रोमोसोम के ऊपर, काइनेटोकोर, ठीक है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे। काइनेटोकोर कहाँ पे होगा, ये क्रोमोसोम है, इसका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। जो काइनेटोकोर क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज़
दैट इज़ द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच. अब स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास कहाँ से निकलेंगे? सेंट्रियोल से निकलेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस में उनकी डिवीजन हो गई थी. एक सेल मैंने आपको बता के दिखाया था जहाँ पे यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे. फर्स्ट सेल में एक था, उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनकी डिवीजन हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें जब इनमें डिवीजन हो जाएगी ना, उसके बाद ये अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे. एक सेंट्रियोल यहाँ चला जाएगा, एक सेंट्रियोल यहाँ चला जाएगा, ठीक है. अब इन सेंट्रियोल से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जाके कहाँ पे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, जाके इससे अटैच हो जाएंगे. इससे अटैच होने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, तो ऐसे हमारे पास एक सेल पूरा डिवाइड हो जाता है. अब इस चीज़ को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे. मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मतलब स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया. बस आपको जो प्रोफेस की जो हेडिंग में आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पॉइंट्स है कि विजिबल नहीं होते. उसके बाद कंडेंसेशन के बाद हमारे पास क्रोमोसोम्स में विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए. अगर एमसीक्यू से आपसे पूछे वो अच्छा वो फेज बताएं जिसमें माइटोसिस की जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रोफेज है. उसके बाद इसमें जो हमारे पास काइनेटोकोर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच हो जाते हैं. यहाँ पे काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के रीजन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है. उसके बाद इसमें आगे की जो बात है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. दिया टू सेंट्रियोल्स, अंदर कुछ स्ट्रक्चर है ना वो सेंट्रियोल है, और इस पूरे को जब हम अगर स्ट्रक्चर का नाम देंगे तो वो होता है सेंट्रोसोम, ठीक है. टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट, दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे, एंड थस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड. बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स, दोनों ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे. जाने के बाद हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अपोजिट पोल्स, हेयर दे गिव्स टू थस माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. द माइक्रोट्यूब्यूल्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर. इसमें फिर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें बनना स्टार्ट हो गया. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो हम इसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है. अब द माइक्रोट्यूब्यूल्स थस फॉर्म, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे उसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे. कंप्लीट सेट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल, हम इसको कहते हैं, ठीक है. अब इसके बाद जो हमारे पास यही लिखा हुआ है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब इसमें हमारे पास, अब आपको एक और चीज़ इसमें पता होनी चाहिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना वो किस चीज़ का हमारे पास, किस चीज़ से हमारे पास बना होता है, मतलब किस चीज़ का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. ये छोटे छोटे एमसीक्यूज में चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कॉम्पोजिशन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए ट्रेसेस, ठीक है. इन दोनों का जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है. ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए ट्रेसेस का जो जब हमारे पास मिल जाते हैं तो हमारे पास ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पास बने. अगर आपको कोई पूछे कि इसका कहाँ पर बताएं माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए ट्रेसेस से, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास प्रोफेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास प्रोफेस कंप्लीट हो जाती है. हमने क्या पढ़ा? प्रोफेस में विजिबल क्रोमोसोम्स होंगे, पहले नहीं होंगे, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास काइनेटोकोर जो है, हमारे पास एक रीजन होता है सेंट्रोमियर के ऊपर जो हमारे पास, जिससे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स से. उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम है, उसकी डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, वो अपोजिट पोल में चले जाएगा. ये सारी बातें आपकी जो प्रोफेस है उसमें लिखी हुई हैं बुक के अंदर. आप उसको एक मरतबा रीड कर लेना ताकि आपको क्लियरली पूरी चीज़ें समझ आ जाए. और इसके अंदर देखो एक और पॉइंट भी हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर हमारे पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते. प्लांट सेल जो है हायर प्लांट्स है ना उनके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. अब
आप देखो जब इसमें सेंट्रोइड्स एब्सेंट हो तो स्पेंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे? हमने पढ़ा था जो सेंट्रोइड्स होते हैं उसके अंदर से स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें से निकलते हैं, जाके काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इनके अंदर सेंट्रोइड्स तो एब्सेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट। अब इसके अंदर एब्सेंट होते तो स्पेंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं? ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स है कैसे बनते हैं? आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, इसमें हमारे पास कैसे बनते हैं? हमारे पास जो ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स के थ्रू माइटोसिस हो जाती है इसके अंदर। माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इसके अंदर हाईली मतलब अच्छी तरीके से इसमें स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं विदाउट नीड ऑफ द सेंट्रोइड। प्लांट सेल के अंदर स्पेंडल फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के हेल्प के थ्रू ही इसमें बन जाते हैं। एग्रीगेशन ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, हायर प्लांट्स में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, सेंट्रोइड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, और जो स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं वो हमारे पास माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी हेल्प के थ्रू हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स बन जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रोइड्स, ये प्रेजेंट इसमें नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो स्पेसिफिक चीज़ें मैं थी मैंने आपको बता दी, जो एमसीक्यूज के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी कि डायमीटर आपको पता होना चाहिए, माइक्रो ट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए ट्रेसेस से मिलकर बना होता है ये पता होना चाहिए, और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है प्रोफेज में ये पता होना चाहिए, विजिबल क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोफेज के अंदर। ठीक है, अब इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे तरीके से पॉइंट्स को एक मरतबा लिख लेना, इस सब को समझने के बाद एक मरतबा बुक का जो पैराग्राफ है प्रोफेज में है वो उसको पढ़ लेना, ठीक है, उसको पढ़ लोगी तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी। अब हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं जो कि हमारे पास है मेटाफेज। देखो अब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है वो हैगी मेटाफेज, ठीक है, जो कि हमारे पास थर्ड जो हमारे पास फेज है माइटोसिस में जो हमारे पास होती है उसमें हमारा सेकंड फेज जो है वो मेटाफेज है। अब मेटाफेज के अंदर जो चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोफेज में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए कि मैं उस पॉइंट में मुझे डिफ़िकल्टी है या मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप सर को बोल देना, फिर मैं आपको वो चीज़ वापस रिपीट कर दूँगी।
अब देखो मेटाफेस में हमारे पास क्या होगा, स्पेंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, स्पेंडल फाइबर्स इसमें बन जाएंगे, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो ये स्पेंडल फाइबर्स में ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। हमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इंटरफेज में आपको पढ़ा रही थी, तब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेंट्रियोल्स हमारे पास है, यहाँ से स्पेंडल फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है, सेंट्रियोल्स से हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स निकलेंगे, ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पेंडल फाइबर्स नोन एज द काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब स्पेंडल फाइबर्स में जो स्पेंडल फाइबर्स मेटाफेज के अंदर जो हमारे पास बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स। ये काइनेटोकोर फाइबर्स जाके किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो मैंने प्रोफेज में आपको बताया था काइनेटोकोर वो रीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है जहाँ अटैचमेंट होती है स्पेंडल फाइबर्स की। अब ये स्पेंडल फाइबर्स है ये जाके काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, इससे अटैच हो जाएंगे। मेटाफेज में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम से जाके हमारे पास ये अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये एक इक्वेटर में एक स्पेसिफिक लेवल, एक इक्वल लेवल में ये हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसमें अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप बुक में डायग्राम देखना, इसमें हमारे पास बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो वैसे ही बनी हुई है जो मैं बता रही हूँ। इसमें मेटाफेज के अंदर स्पेंडल फाइबर्स बन जाएंगे, जाके उससे वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद हमारे पास क्या होगा, मेटाफेस प्लेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, एक स्पेसिफिक लाइन की लाइन में या फिर एक प्लेट के फॉर्म में हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स हमारे पास अरेंज हो जाएंगे। जो इन सब किस में होगा, ये सब मेटाफेस में होगा। मेटाफेस में आपको जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि स्पेंडल फाइबर्स मेटाफेस में बनते हैं। स्पेंडल फाइबर्स निकलते किससे हैं, उन्हें ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, सेंट्रियोल्स से बनते हैं निकलते, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं जो वो जाके किससे अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाते हैं। ये सब किस में होता है, मेटाफेस के अंदर होता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट में, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता देना। प्रोफेज में हमने पहले क्या पढ़ा कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रियोल्स बन के उसमें रेडी हो जाएंगे अपोजिट पोल में। अब मेटाफेज में क्या हुआ, इसके अंदर से स्पेंडल फाइबर्स निकल गए, निकल के जाके इससे अटैच हो गए। अब उसके बाद जो हमारे पास फेस है एनाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स इन दोनों को पुल करेंगे, ठीक है, ये वाला सेंट्रियोल दोनों क्रोमेटिड्स को खींचेंगे और अलग कर देंगे। क्यों अलग करेंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियस को अलग करना है, कैरियोकाइनेसिस करना है हमने पहले माइटोसिस में। अलग होने के बाद ही हमारे पास ये दो डॉटर सेल्स बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कि एनाफेज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेलिंग से ये चीज़ बताई है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आए, आप मुझसे पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट फेज पर चलते हैं जो कि है एनाफेज। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास फेस है वो है एनाफेस। देखो मैंने दो फेसेस यहाँ तक जितना भी समझाया, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ये चीज़ें रिपीट कर दूँगी। आई होप जो मैंने आपको फर्स्ट पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बताई थी सोमेटिक सेल्स की, माइटोसिस मियोसिस के बारे में जो चीज़ें बताई थी वो सब आपको समझ आ गई होंगी और ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। बस जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उन पॉइंट्स के हिसाब से आपने घर पे बुक रीडिंग करनी है, बुक को रीड करना है कि हमारे पास इसमें अगर उसे रीड कर दोगे ना जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ ये आपका और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देन फिर हम एसोलोज भी डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब। एनाफेज
देखो बेटा एनाफेज में हमारे पास क्या होगा, आपको ये एमसीक्यूज़ में आपको ये पूछा जाता है माइटोसिस में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज जो होती है वो कौन सी होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो एनाफेज जो होगी वो हमारे पास क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस होती है, ठीक है। अब क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि क्रिटिकल फेज है माइटोसिस की, क्यों? इसमें हमारे पास क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमेटिड अकर्स, क्रोमेटिड जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड से उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दो एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो हमारे पास एन एफ एस है वो एक क्रिटिकल फेज है माइटोसिस की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, हमने कहा काइनेटोक और फाइबर सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो एन एफ एस में हमने सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि एन एफ एस में हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स हमने जो बनाए थे, देखो ये सिचुएशन हमने मेटाफेज में बनाई थी कि हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, अटैच हो जाएंगे क्रोमेटिड से, ठीक है। स्पेंडल फाइबर से काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमेटोम से अटैच हो जाएंगे और उसके बाद अब देखो ये सिचुएशन थी मेटाफेज की। अब एनाफेज में देखो हमने क्या, ये जो फिगर मैंने बनाई है डायग्राम दूसरी, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो क्रोमेटिड्स हैं ना दोनों अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स से जो स्पेंडल फाइबर्स निकल रहे थे दोनों को क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स को पुश करेंगे अपनी तरफ, खींचेंगे अपनी तरफ, पुल करेंगे उन्हें, अब एक फोर्स से खींचेंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे और ये हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये नहीं होगा कि इसमें ज़्यादा चले गए इसमें कम चले गए, नहीं, इसमें एक तरफ एक हमारे पास क्रोमेटिड होगा, एक तरफ एक क्रोमेटिड होगा। काइनेटोकोर फाइबर सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर था मैंने आपको बताया था स्पेंडल फाइबर जो टाइप है उसमें जो हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स को दोनों को अलग कर देगा। और ये फेस कौन सी है जिसमें सिस्टर क्रोमेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दिस इज़ द फेस, वो कौन सी, एनाफेज है, ठीक है। और जो एनाफेज जो होती है वो क्रिटिकल फेस होती है माइटोसिस की, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गया कि हमने एनाफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया, प्रोफेज पढ़ लिया, थ्री फेसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। एनाफेज में हमारे क्या होगा, क्रिटिकल फेस ऑफ माइटोसिस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्रोमेटिड्स की, ठीक है। काइनेटोकोर फाइबर जो हमारे पास है सेपरेट कर देगा दोनों क्रोमेटिड्स को। अब इसमें जो मैंने चीज़ें बताई है ना इसको एक मतलब बुक में रीड कर लेना ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए, और जो फिगर बुक में बनी हुई है पेज नंबर 91 में उसे भी अच्छे तरीके से देख लेना। देखो एनाफेज में क्या है, व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इट स्टार्ट्स टू पुल टूवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स, द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट, जो फोर्स ये लगाएंगे इससे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये किस में होगा, एनाफेज होगा, एनाफेज हमारे पास थर्ड फेज है माइटोसिस की, ठीक है। दी सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल अपार्ट टूवर्ड द स्पेटिव क्रोमोसोम्स, ठीक है। द अदर स्पेंडल फाइबर्स, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स से ना इसको अब हम क्या बोलेंगे, अब आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, अलग अलग हो गए ना, पहले दो एक साथ थे तो हमने क्रोमेटिड्स बोला था, हमने क्रोमेटिड्स की डेफिनेशन ही क्या बोली थी, जो हमारे पास हाफ पार्ट क्रोमोसोम्स का होता है, अभी अलग अलग हो गए तो उसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ द एनाफेज सेल हैज़ द सक्सेसिव इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम्स इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल्स, इसमें एंड जब हमारे पास एनाफेज ख़त्म होने वाला होगा, देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हर फेज में पता होने चाहिए। एनाफेज में हमारे पास जो मेन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए वो है कि इसमें सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स होगा, क्रोमेटिड्स एक दूसरे अलग हो जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, ठीक है। किसकी वजह से अलग होंगे, काइनेटोकोर फाइबर जो है ना उनको अलग कर देगा, ठीक है। प्रोफेज में आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। मेटाफेज में आपको पता होना चाहिए स्पेंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एनाफेज में आपको पता होना चाहिए स्पेंडल फाइबर्स की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमेटिड्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स में आ जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो थर्ड फेज थी माइटोसिस की वो भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टीलोफेज।
टेलोफेज जो हमारे पास है वो है लास्ट फेस ऑफ माइटोसिस। इस फेस को हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ऑफ प्रोफेस। और मेटाफेज को हमने ये भी कहा था कि वो सॉरी एनाफेज जो क्रिटिकल फेज थी। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं अगर आप याद रखोगे ना तो एमसीक्यूज के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो बेटा, जो हमारे पास टेलोफेज है ना, इसको हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, जो जो चीज़ें प्रोफेज में हो रही थी ना, उसका उल्टा अगर हम करें तो वो सारी चीज़ें टेलोफेज के अंदर होती हैं। कैसे होती हैं? देखो, हमने इसमें क्या होता है, व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव इन द अपोजिट पोल, हमने एनाफेज से पढ़ा कि जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स से अलग अलग पोल में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स में चले जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे से अलग होने के बाद, एनाफेज में ये काम होने के बाद, टेलोफेस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम फिर से वापस पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वापस से वो विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है नेक्स्ट, जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट मैंने आपको प्रोफेस में बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो रही थी, बाहर से गायब हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वापस से बन रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास उल्टा है, रिवर्स है, किसका? प्रोफेस का। दिस इज़ द रीज़न दैट वी कॉल टेलोफेज एज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेस। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट्स यही है कि इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स की डीकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें वापस से बनती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमेटिड्स हमारे पास अलग हो चुके थे, अलग होने के बाद अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएगा उनका। देखो ऐसे बनेगा, मैं आपको एक मतलब बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बुक में अगर फिगर देख लोगे ना तो सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। देखो, अब इसके एट गेट ये न्यूक्लियस है ना, इसके एट गेट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगी। पहले प्रोफेज में हमने पढ़ा था डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही थी, गायब हो रही थी, अब टेलोफेज में क्या होगा, इसके अंदर जो एट गेट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से बनना स्टार्ट होगी, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि हमने इनको अलग कर दिया है, अलग किया, जब ही तो ये दो बन गए ना, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। टेलोफेज जब एंड होता है तो हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था माइटोसिस में दो मेन फेसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है। क्यों कंप्लीट हो गई है? क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीटेड, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देखो, टू डॉटर न्यूक्लियस बन गए ना, अब जब साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और टू डॉटर सेल्स इसके रिजल्ट में बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाता है, अब मैं यहाँ तक रखती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएँ। आप ये जब रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लोगे तो पहले यहाँ टेलोफेज तक पूरी चीज़ें पढ़ लेना, बुक में जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं और उनके एट गेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है? यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ तक आपको इससे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।